ब्रॉडशीट मामला हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। मुखालफीन नवाज शरीफ को फंसाने निकले थे, ब्रॉडशीट गले पड़ गई। ये इतने करप्ट और चोर हैं कि ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे। मरियम नवाज की कड़ी तनकीद, कहती हैं इमरान खान को शहबाज शरीफ से खतरा है, इसीलिए जेल में बंद कराया। वजीर आजम के हवारियों को समझ आना शुरू हो गई, इस साल अनाड़ी अकेले रह जाएंगे। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। तैयारे की महंगी लीज नून लीग के दौर में हुई, वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का इल्जाम। कहते हैं पीआईए के दो तैयारे 2015 में नून लीग की हुकूमत ने महंगी लीज पर लिए थे। मलेशिया ने हमें सुने बगैर तैयारा कब्जे में ले लिया, जहाज तहवील में लेने के केस का दिफा करेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला फिर नैब पर बरस पड़े। कहते हैं जो नैब के खिलाफ बोलता है उसे नोटिस भेज दिया जाता है। रेफरेंस पर अपना जवाब जमा कराऊंगा, जजेस भी देखे, नैब ने तमाशा लगा रखा है। सलीम मानवी वाला के नैब के रवैये के खिलाफ असद मुनीर की खुदकुशी का मामला ह्यूमन राइट्स कमीशन ले जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने की मुखालफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट से सिदारती रेफरेंस वापस भेजने की इस्तदा। अदालत उस्मा में जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने का कानून नहीं। क्लीन लाहौर की एक और डेडलाइन गुजर गई, हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। शहर साफ हुआ, न कचरा ठिकाने लगाया जा सका। प्लानिंग ना होने से कंटेनर दोबारा कूड़े से भर गए। हमारे जमाने में लाहौर साफ था, नाहिल हुक्मरानों ने साफ सुथरे लाहौर को कूड़े का ढेर बना दिया। शहबाज शरीफ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहते हैं उन्हें भी अभी तक मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी गई। जो हुकूमत लाहौर का गंद साफ ना कर सकी, वो करप्शन का गंद कैसे साफ करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तंजियावार, कहते हैं 2020 में खुशहाली आई ना नौकरियां मिली, पूरी दुनिया में पाकिस्तान तमाशा बन गया। मलेशिया में जहाज पकड़ा गया, हम खुश हैं कि मुसाफिर छोड़ दिए। पाकिस्तान में कोरोना कम ना हुआ, आज मजीद 45 जाने ले गया। 24 घंटे में 2432 केसेस सामने आ गए। अस्पतालों में 333 मरीज वेंटिलेटर्स पर। सिंध में सबसे ज्यादा 17,316 फाल केसेस। कौमी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए स्पीकर के रबते नाकाम, अपोजिशन का तावन से इनकार। इजलास में शिरकत जेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर से मशरूत, हुकूमत का अपोजिशन के बगैर ही इजलास बुलाने पर गौर। पीडीएम की बेशतर जमातों का सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। पीपल्स पार्टी की तजवीज पर मौलाना फजलुर रहमान भी रजामंद। पीडीएम इजलास में मुश्तरका उम्मीदवार लाने की तजवीज पर गौर होगा। वजीर आजम का आईजी पंजाब को एक माह में पुलिस इस्लाहात लाने का हुक्म। गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ बिला तफरी कार्रवाई की हिदायत। लाहौर के बड़े डॉन और उनके डेरों पर छापे पर आईजी और सीसीपीओ लाहौर को शाबाश। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आटे की कीमत को फिर पर लग गए, एक हफ्ते में कीमत 600 रुपए किलो बढ़ गई। 20 किलो का थैला 120 रुपए किलो। अदारे शुमारियात के मुताबिक आटे का थैला हैदराबाद में 1400 और कराची में 1300 रुपए में फरोख्त होने लगा। चिनियोट की यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी का घी और आटा खत्म। लाहौर के सफारी पार्क से 4 काले हरन कौन ले गया, इंतजामिया और पुलिस ताहाल मुलजिमों का सुराग लगाने में नाकाम। हरनों की चोरी की तहकीकात जारी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जनूबी अफ्रीका की टीम 14 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। टीम को सख्त सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट से होटल लाया गया। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट 26 जनवरी से शुरू होगा। मेहमान क्रिकेटर सिक्योरिटी इंतजाम से मुतमईन, एयरपोर्ट से होटल जाते वक्त एहलकारों की वीडियो बनाकर ट्विटर पर अपलोड कर दी।